बाइक नहीं चलाई जा रही यार, जुकाम लग रहा है बहुत, ऐसा इरिटेशन हो रही है। तो इनकी बाइक में भी कुछ आवाज आई, क्या आवाज आई थी चलाते टाइम? एक चीज बढ़िया लगी यार, भले ही व्हाइट कलर है इसका, देख रहे हो कहीं पर भी कुछ गंदा पता नहीं लग रहा, व्हाइट कलर में ये चीज बढ़िया होती है। मस्त जगह है यार कसम से, देख रहे हो क्या तगड़ा व्यू है। आंख से भी पानी वानी सा आ रहा था अभी तो काफी ज्यादा, पूरे रास्ते छींके मारता हुआ आया हूँ मैं तो, सच में हालत खराब हो रही है। लो भाई हल्की सी ऑफ रोडिंग भी आ गई, अब यहाँ काम चल रहा है रोड का। और आज फाइनली अपन जा रहे हैं दिल्ली के लिए वापस। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो भाई आज है 24 नवंबर और आज फाइनली अपन जा रहे हैं दिल्ली के लिए वापस, और अभी हमें कुंभलगढ़ में, और भाई सब जितनी जगह हमने घूमी ना सब जगह इतना मज़ा आया ना, मतलब सारी जगह एकदम बढ़िया थी और हर जगह की अपनी खासियत थी, सारे फोर्ट्स बढ़िया थे और सैम सैंड ड्यून्स की तो बात ही अलग थी भाई, वो तो मस्ट विजिट जगह है। मतलब लोंगेवाला की तरफ रोड्स वगैरह हर एक चीज़ पूरे राजस्थान की एकदम एवन थी। और आज फाइनली अपना दिन आ गया है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार वापस जाना पड़ रहा है। मेरी पैकिंग पूरी डन है, सारा सामान मैंने बैग में डाल लिया है, राइडिंग गियर्स भी पहन लिए हैं और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8, तो अब बस ये तैयार हो जाएं जल्दी से, उसके बाद अपन जाएंगे सामने ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि यहाँ के जो रिजॉर्ट्स हैं उनके बगल में ही सब होटल वगैरह खुले हुए हैं और बढ़िया रेस्टोरेंट खुले हुए हैं और खाना भी अच्छा है कुंभलगढ़ का। तो अभी बाहर तो आ गए हैं और अब थोड़ी अच्छी धूप आ गई है, वरना यहाँ पर इतना ठंडा मौसम हो जाता है ना कुंभलगढ़ में कि भाई साहब गला भी थोड़ा थोड़ा ख़राब लग रहा होगा, पता लग रहा होगा आपको कि गला ख़राब हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी अच्छी धूप निकल आई है और अभी 8:30 बज गए हैं। बाइक हमने निकाल ली है बाहर, हमारी बाइक खड़ी हुई थी पार्किंग में, और एक चीज़ बढ़िया लगी यार, भले ही व्हाइट कलर है इसका लेकिन देख रहे हो कहीं पर भी कुछ गंदा पता नहीं लग रहा, व्हाइट कलर में ये चीज़ बढ़िया होती है कि बाइक बिल्कुल अभी तक साफ़ है और कहीं भी मेरे को ना धुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी ज़्यादा गंदी हुई नहीं है। कलर व्हाइट लेने का ये तो फ़ायदा हो गया, ब्लैक अगर मैं लेता तो शायद वो जल्दी गंदे दिखाई देता और उस पर ना धूल अलग ही पता चल जाती है ब्लैक पे, पर व्हाइट का ये सही है कि अभी तक साफ़ है। तो अभी बैग अपना वहाँ ला के हमने रख दिया है, इसको बाइक पर फटाफट टाई अप कर लेते हैं। I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. तो अभी भाई बाइक है तो हमने अपने होटल में लगा दिया, लेकिन अभी हम जो है उसके बगल में एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट है एलबी द अमर पैलेस, ये सामने बढ़िया एकदम। तो अभी यहाँ अपन आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि भाई खाली पेट राइड करी नहीं जाएगी और अभी थोड़ी धूप और अच्छी निकल चुकी है, अब चलते हैं ऊपर अपना और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले, जिससे कि अपनी राइड कम से कम आराम से हो सके, यहीं से करके निकल जाएंगे तो ये सही रहेगा कि अपना बढ़िया 2-3 घंटे अपना चला सकते हैं, देन उसके बाद सीधे लंच वाली टाइम आ ही जाएगी। अभी चलते हैं ऊपर, जो इनका रूफ टॉप रेस्टोरेंट है बहुत बढ़िया है, चल के दिखाता हूँ आपको। और भाई सब बढ़िया, जान पहचान हो गई यहाँ तो? हाँ भाई बढ़िया, ओके रिपोर्ट। यहाँ भाई लड़कों से अच्छी खासी जान पहचान हो गई है, बातचीत, क्योंकि कल भी हम शाम को यहीं पर ही थे, काफ़ी देर बात बात कर रहे थे, व्लॉग नहीं किया लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया बातचीत हो गई थी। अभी नाश्ता करवा लिया है, हाँ ये अपने विनोद भाई, क्या हाल है विनोद भाई? बस सर बढ़िया बढ़िया। तो भैया ये तो अभी हम तैयार हैं, हाथों के आप ब्लॉगर हैं क्या? हाँ जी, आपको मैंने देखा है टीवी पे, ऐड आती है ना? हाँ, वो क्या नाम है, आप उसमें आते हो डिटॉल की ऐड में? आर यू कॉमेडी मी? तो अभी हम तो भाई नहा धो के तैयार आ गए, पर ऐसा लग रहा है विनोद भाई अभी सो के उठे हो ना? हाँ? अभी सो के उठे हो ना लग रहा है। तो भाई नाश्ता नाश्ता बोल दिया, चलो भाई अभी नाश्ता करते हैं और एक बार चेकआउट करो जरा एलबी द अमर पैलेस का रूफ टॉप रेस्टोरेंट। ये वॉल पे यहाँ पर बढ़िया ग्राफिटी बनी हुई है, पूरा जो रेस्टोरेंट है एकदम पार्टी करने के लिए बनाया हुआ है, अच्छी खासी मतलब रूफ टॉप आ जाओ आप और ये पूरा ओपन स्पेस है, यहाँ से पहाड़ का व्यू वगैरह बढ़िया है और रात को ये लाइटें जल जाती है ना, ऊपर लैंप्स लगाए हैं बढ़िया लाइटिंग के साथ, तो ये सब जलने के बाद बहुत बढ़िया हो जाता है ये। और अभी अपन यहीं बैठ के नाश्ता करेंगे, रात को भी हमने यहाँ थोड़े चिल मारे हैं लेकिन उस टाइम ब्लॉग नहीं करा, अभी नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, करते हैं फटाफट से। ये आ गई भाई अपनी चाय बढ़िया कांच के गिलास में, और ये आ गए आलू प्याज पराठे ना, आलू प्याज पराठे इनको खाते हैं फटाफट। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक, सब ठीक? नाश्ता कर लिया अभी अच्छे से, पराठे वराठे खा लिए, पेट भर गया है और अभी बस यहाँ से रैप अप करते हैं और निकलते हैं। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, टाइम हो रहा है अभी 10:21। ओहो
चलो। आज का रूट अपना काफी लंबा है, यहाँ से अपन सीधे दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली यहाँ से दिखा रहा है 612 किलोमीटर, तो लगभग 12 घंटे तो लग ही जाएंगे, जीपीएस ऐसा दिखा रहा है, पर हम ब्रेक वगैरह लेते हुए जाएंगे तो वही 13-14 घंटे मान के चलो। तो रात तो आधी होने वाली है भाई, आज की राइड बहुत लंबी होने वाली है, पूरे दिन राइड करनी है हमको भाई साहब, मज़ा भी आने वाला है और खतरनाक टूटन भी होने वाली है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये सीन अच्छा है कि पहाड़ों में राइड नहीं करनी, ये थोड़े बहुत पहाड़ है बस 80-90 किलोमीटर तक, उसके बाद सीधा हाईवे एकदम बढ़िया वाला। तो मस्त चलाते हुए जाएंगे अपनी बाइक, अब देखते हैं लगातार ये चलेगी 600 किलोमीटर तो कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस। तो बाकी इन पहाड़ों को बाय करने का टाइम आ गया है, कुंभलगढ़ मिलेंगे फिर दोबारा कभी, देखो मस्त जगह है यार कसम से, देख रहे हो क्या तगड़ा व्यू है, और यहाँ पर सिर्फ रिजॉर्ट्स हैं, 72 रिजॉर्ट्स हैं, तो यहाँ पर सिर्फ जो है टूरिस्ट आता है समझ रहे हो। और यहाँ का मौसम भाई साहब जुकाम कर ही दिया मेरे को भी, मतलब अभी मेरे को जुकाम है और मैं पूरा को ऐसे चल रहा था कि भाई बच के रहूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन भाई यहाँ ठंडा इतना ज़्यादा हो जाता है ना शाम को कि जैकेट में भी ठंड लग रही थी, डबल कंबल मंगाने पड़ रहे थे, ये हालत हो रखी थी। ये लेक काफी जबरदस्त लगी यार, मतलब बीच में एक नाव खड़ी कर रखी है झंडा लगा के, क्या बात है। नहीं चलाई जा रही बिल्कुल भी, जुकाम इतना तेज हो रहा है ना, इरिटेशन लग रही है। भाई नहीं चलाई जा रही, बाइक नहीं चलाई जा रही यार, जुकाम लग रहा है बहुत, ऐसे इरिटेशन हो रही है। सीजेड पड़ी है दो यार, एक सीजेड लूंगा। पानी है अपने पास, आगे पानी पीते हैं, सीजन लेते हैं। भाई साहब बाइक नहीं चलाई जा रही, ऐसा हो रहा है चीटी सी नहीं चलती जैसे जुकाम में, पूरी नाक में ऐसी हो रहा है जब से, सामने कंसंट्रेशन ही नहीं हो पा रहा, गला चोक अलग हो रखा है। एक सिट्राजन लेते हैं फटाक से, फिर करेंगे बढ़िया से राइड, उससे कम से कम ये इरिटेशन तो बंद हो जाएगी। भाई बुखार हो जाए एक बार को, लेकिन जुकाम ना हो कसम से, पूरे शरीर में ना ऐसे हल्ला मचा देता है। हमने सिट्राजन ले ली थी पहले ही, ये इनको बुखार हुआ था जब, तो इस वजह से 3-4 हमने एक्स्ट्रा ले ली थी, वो इनके पास रखी हुई है, वही ले लेता हूँ एक, वरना भाई सब दिक्कत हो जाएगी राइड करते हुए। तो भाई यहाँ रुके हैं, पानी ले लेते हैं यहाँ से, लो भाई ये सिट्राजन खा लेते हैं, ये पीने के लिए है ना पानी, सही है। अब थोड़ी देर बाद इसका असर तो हो जाएगा, अब निकलते हैं, अब गोली अपना असर कर दे फटाफट और उसके बाद अपनी राइड बढ़िया से हो जाए, घर पहुंच जाए एक बारी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मजा आ जाएगा। चलो भाई वो वाला रास्ता खत्म और अब एक बढ़िया रास्ते पे आ चुके हैं हम, हाईवे जा रहा है सीधा, है ये वन वे लेकिन बढ़िया बनाया हुआ है एकदम, और व्यू भी खतरनाक है भाई। लो भाई सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये जयपुर लेफ्ट 308, अजमेर 178, ब्यावर 123 और उदयपुर 94, और जहाँ तक हमको जयपुर वाले रास्ते पे जाना होगा, जयपुर से होके ही दिल्ली आते हैं ना भाई, तो जयपुर 300 है यहाँ से, फिर दिल्ली वहाँ से 250-300, तो टोटल वही 600 हो गया, सही है बिल्कुल। अरे भैया गाना आ गया, दीदी तेरा देवर दीवाना बताओ यार स्पॉटिफाई भी ऐसे ऐसे गाने दे रहा है। ये हो गए अपन जयपुर वाले पे लेफ्ट, और यहाँ से सीधे निकलेंगे, और यार रास्ता ये वन वे है, कम से कम 4 लेन तो होना चाहिए। बस रोड तो अच्छा है, लेकिन साइड में ना ये गायें वगैरह जो है ये अचानक से आ जाती हैं रोड पे, तो उस टाइम पे ब्रेक नहीं लगेंगे भैया, पहले ही थोड़ा धीरे कर ले तो सही है। लो भाई हल्की सी ऑफ रोडिंग भी आ गई, अब यहाँ काम चल रहा है रोड का, लेकिन ऑफ रोड बड़ी खतरनाक है, कीचड़ कीचड़ हो रखी है हल्की,
हल्की हल्की स्लिप हो रही है, धीरे धीरे चलानी पड़ रही है। थोड़ा और बाद में आते तो काम हुआ मिलता है इस रोड पे। पूरी रोड की हालत खराब है भाई, यहाँ पे काम चल रहा है अभी पूरा, इसको फोर लेन करने का ही काम चल रहा है, लेकिन अभी तक तो पूरी हालत खराब है। एक साइड से आना जाना हो रहा है, तो बाइक भी ज्यादा तेज नहीं चला सकते, बल्कि ऑफ रोड भी है बीच बीच में। जुकाम अलग परेशान कर रहा है वाद साहब। कितने किलोमीटर चला ली? 121 किलोमीटर बाद हमने पहला स्टॉप लिया ये, और ये निर्मल भोजनालय करके दिखा है। बढ़िया हाईवे पूरा ऐसा ही है, कहीं काम चल रहा है कहीं बढ़िया। और जुकाम से इतनी छींकें आई जा रही ना भाई साहब, बड़ा ध्यान से चलानी पड़ रही थी कसम से। अभी रुके हैं, 2 घंटे कंटिन्यूस चलाई है 121 किलोमीटर, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया, चाय वाय पीते हैं गरम। भाई साहब हालत खराब हो रही है। अभी 120 किलोमीटर चलाई है लगातार, उसके बाद रुके हैं हम, और 2 घंटे हो गए कंटिन्यूस चलाते हुए। 10:30 बजे निकले थे और अभी 12:30 हो रहे हैं, और जुकाम बड़ी तेज़ हो गया मेरे को, मतलब आँख से भी पानी वानी सा आ रहा था अभी तो काफ़ी ज़्यादा। पूरे रास्ते छींके मारता हुआ आया हूँ मैं तो, सच में हालत ख़राब हो रही है। मतलब आप घर जाने वाले दिन की राइड सबसे बेकार हो रही है, बाकी सारी राइड इतनी बढ़िया हुई, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं हुई। अब घर की तरफ जा रहे हैं तो इस वाली राइड में हालत ख़राब हो रही है, गले में भी ऐसे चुभन चुभन टाइप की हो रही है। मैं सोच रहा था ना ही बीमार हो तो अच्छा है, लेकिन ये भी चीज़ की खुशी है कि घर ही जा रहे हैं अब, अगर हो भी गए तो घर जाके अपना पड़ जाएंगे बेड पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाय अभी हमने यहाँ पी ली है, थोड़ी देर और बैठे हैं, थोड़ी देर और रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। चलो भाई चाय पी ली अच्छे से यहाँ पे, और अभी गियर्ड अप हो चुके हैं, तबीयत ढीली सी लग रही है पर राइड करेंगे ज़रूर। धूप मेरे को तो काफ़ी अच्छी लग रही है, धूप हो बहुत तेज़ रही है, लेकिन मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है इस धूप में, क्योंकि बीमार शरीर में ऐसे गर्मी से मिलती रहती है ना तो अच्छा लगता है। अभी निकलते हैं यहाँ से, टाइम हो गया है 1:22, तो फटफट लगाते हैं। ब्यावर तक ऐसा ही रोड है ये ख़राब, फिर ब्यावर के बाद रोड अच्छा है, तो ब्यावर यहाँ से कुछ 40-50 किलोमीटर के आसपास है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, मक्खन हाईवे आ जाएगा फिर तो बाइक बढ़िया चलेगी एकदम। चलो भाई फ्यूल अप करवा लिया है, 326 किलोमीटर की रेंज हो गई है, और दिल्ली अभी यहाँ से है लगभग 450 किलोमीटर, और जयपुर है यहाँ से 196, तो सही जा रहे हैं हम एकदम। ज़्यादा चला रहे हैं, ब्रेक कम ले रहे हैं जिससे कि जल्दी रास्ता कवर हो, ऐसे चलते रहेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। चलो भाई अब जहाँ तक है ये ख़राब रोड सारी ख़त्म और बढ़िया रोड चालू हो गई है। तो इनकी बाइक में भी कुछ आवाज आई, क्या आवाज आई थी चलाते टाइम है, टन करके आवाज आई है, कुछ ऐसा तो नहीं पत्थर लगाओ नीचे लोहे पे। तो अभी एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं, और एक ये बढ़िया रेस्टोरेंट बड़ा बीच में, तो लंच कर लेते हैं यहाँ पे बढ़िया एकदम। अब भाई साहब चलो अच्छा हुआ बाइक अंदर लगवा दी, बाहर तो बड़ी धूप हो रही है, छाया में लगा दी अपनी बाइक अभी यहाँ पे। और ये एक रेस्टोरेंट है, गुजराती पंजाबी राजस्थानी सब कुछ हाईवे पे, बढ़िया लंच कर लेते हैं यहाँ पे, हालत ख़राब हो रही है भाई। तो अभी ये थोड़ा तैयार हो जाए, ये देखो अभी नहा के आए हैं।